आज पीपलसाना बस स्टैंड जो कि भोजपुर नगर पंचायत के वार्ड 10 में आता है, उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब लटके हुए तारों को ट्रक ने खींच लिया। इसी वजह से खंभे ट्रांसफार्मर सहित एक एक करके गिर गए। खंभे टूटने के कारण ट्रांसफार्मर तारों सहित जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों के घरों में अचानक बिजली जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद टीम मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर जिला कारागार के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लेते। जिला पंचायत सदस्य वार्ड 51 के प्रत्याशी मोहम्मद इदरीस ने जनता को समझाते हुए कहा कि ये हम सभी की खुशकिस्मती है कि जब ट्रक ने खंभों को तोड़ा उस वक्त आसपास कोई नहीं था, अन्यथा न जाने कितना बड़ा हादसा होता। आप सभी को जल्द ही बिजली की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि इस अनहोनी की शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से तत्काल बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाने और बिजली सप्लाई शुरू करने की मांग की है, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त जल्द सही कराने का दिया है। टीम मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर ना जल्द बिजली को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए मांग की है। इस अकस्मात घटना से व्यथित मोहम्मद इदरीस ने कहा कि ये अल्लाह का शुक्र है कि हादसे से कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। मांग को तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा माने जाने पर शुक्रिया अदा करते हुए प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड 51 मोहम्मद इदरीस ने कहा कि टीम मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर की सतत पैरवी ने अनेक जन आंदोलन के बाद कामयाबी हासिल की है। यदि आप सभी का सहयोग रहा तो हम हर काम हेतु अपनी जान अड़ा देंगे। क्षेत्र की समस्याओं को उठाना हम सब क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर इकरार पाशा, इमरान अंसारी, मोहम्मद अहमद इदरीसी, बाबू अंसारी, आलम अंसारी, लईक अहमद, समाज सेवी हाजी फारूक अंसारी, जफर कुरैशी, चंद्रपाल, इरशाद हुसैन आदि मौजूद रहे। हमारी ये समस्या है कि हमारा निकट बस स्टैंड पर जो है एक ट्रांसफार्मर लगा था, जो आज किसी वाहन में उसको जो है तार कुछ नीचे लटके थे, उस तार के कारण जो है उसमें लग गए, और लगने के कारण जो है वो मैं ट्रांसफार्मर के मैं खंभों के वो जो है गिर गया और यहाँ एक बड़ी घटना होने से बची है। उसी के लिए हम आज ये भोजपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के अंदर आता है। इसके लिए हमने जो है नगर के जो चेयरमैन हैं अहमद जहाँ जी, उनसे भी हमने इसकी सिफारिश करी है और हमने उच्च अधिकारियों से और बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी हमने इसके लिए बात की है कि इस ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द यहाँ इन खंभों को लगाकर और यहाँ जो है बिजली चालू की जाए, क्योंकि ये पूरे बस स्टैंड जो है हमारा पूरा बस स्टैंड इसी से जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है, हमारी भी लाइट इसी से आती है और आसपास की जो ये बस्ती है इधर की जो वार्ड नंबर 10 की जो बस्ती भोजपुर नगर पंचायत की है, ये भी सारे लोग इसी ट्रांसफार्मर से बिजली यूज करते हैं और इसकी सप्लाई ना होने से काफ़ी लोगों को दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन व्यापारी यहाँ जो बस स्टैंड पर हैं ये सारे परेशान होंगे। इसलिए मैं ये उच्च अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको विद्युत विभाग वाले जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को लगवा कर इसे सुचारू रूप से बिजली देने की मेहरबानी करें, जिससे कि हम सब लोगों को इस बिजली का फ़ायदा मिल सके।